₹100 received on phone pay. फोन पे पर ₹100 मिले। हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू टेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप फोन पे यूज करते हैं और फोन पे में वॉइस नोटिफिकेशन अगर आप एनेबल करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट लेटेस्ट प्रोसेस के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको वॉइस नोटिफिकेशन एनेबल करना है, ठीक है। जैसे तो अगर आपके पास कोई भी शॉप है या तो फिर दुकान वगैरह अगर आप चलाते हैं या तो फिर पर्सनली भी आप यूज करते हैं फोन पे, वहां पे वॉइस नोटिफिकेशन अगर आप एनेबल करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको फोन पे बिजनेस एप्लीकेशन आपको यूज करना होगा। जब दोस्तों फोन पे बिजनेस एप्लीकेशन आप यूज कीजिएगा तो दोस्तों वहां पे आपको फोन पे की तरफ से आपको एक सुविधा दे दिया जाता है कि वहां पे वॉइस नोटिफिकेशन के जरिए आपको बता दिया जाएगा अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपके फोन पे पे ₹100 भेजता है या फिर ₹500 भेजता है या तो फिर जितना भी अमाउंट भेजता है वो दोस्तों आपको फोन पे बिजनेस आपको बोलकर बता देगा कि आपके फोन पे पे ₹100 प्राप्त हुआ है, ₹200 प्राप्त हुआ या तो फिर SMS को भी पढ़ करके वहां पे बता दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फटाफट जान लेते हैं, सीख लेते हैं किस प्रकार से आपको फोन पे बिजनेस में वॉइस नोटिफिकेशन आपको एनेबल करना है। उससे पहले दोस्तों आप सबसे एक निवेदन है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैं फोन पे के एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पर दोस्तों कहीं भी वॉइस नोटिफिकेशन को अनेबल करने का कोई भी सेटिंग नहीं दिया गया, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी फीचर नहीं दिया गया, लेकिन दोस्तों अगर आप वॉइस नोटिफिकेशन एनेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों फोन पे का दूसरा एप्लीकेशन आता है फोन पे बिजनेस नाम करके, ठीक है। उसको अपने फोन में इंस्टॉल करना होगा तभी दोस्तों वॉइस नोटिफिकेशन एनेबल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से फोन पे बिजनेस एप्लीकेशन का आपको इंस्टॉल करना है। उसके लिए सिंपल से आपके फोन में जो प्ले स्टोर एप्लीकेशन होगा उसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर है फोन पे बिजनेस, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैं फोन पे बिजनेस में टाइप करके सर्च कर दिया। सर्च कर देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पहला ही एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुका है फोन पे बिजनेस का, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आता होगा तो यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक करके फाइनली आप उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया हूँ, इसके लिए यहाँ पे ओपन ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं आगे का प्रोसेस समझा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ओपन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास दो एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको परमिशन दे देना है। परमिशन दे देने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना है। अब दोस्तों यहां पे आपको ध्यान देना है, यहां पे दोस्तों वही मोबाइल नंबर फिल अप करना है जिस मोबाइल नंबर पे आपका फोन पे बना होगा और जिस मोबाइल नंबर पे आप वॉइस नोटिफिकेशन एनेबल करना चाहते हैं वही यहां पे मोबाइल नंबर आपको फिल अप कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता है वेरीफाई, तो दोस्तों आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे जैसे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ओटीपी ऑटोमेटिक फेच कर लिया, यहाँ पे वेरीफाई भी हो चुका है, ठीक है। वेरीफाई हो जाने के बाद आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। अब दोस्तों जो भी आपके फोन पे में आपका नाम होता है वही नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच कर लेता है। तो फाइनली दोस्तों आपका फोन पे में जो भी आपका नंबर होगा उसी नंबर से आपको फोन पे बिजनेस भी बनाना है, तभी दोस्तों जो भी व्यक्ति फोन पे आपका पैसा भेजेगा तो यहाँ से आपको वॉइस नोटिफिकेशन के जरिए आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आपका अकाउंट तो यहां पर फाइनली बन चुका है। अब यहां पे वॉइस नोटिफिकेशन किस प्रकार से एनेबल करना है वो मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए सबसे ऊपर में देखिए यहां पे फोटो वगैरह आपका लोगो वगैरह बना होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर फोटो वगैरह लगाते हैं तो यहां पे आपका फोटो वगैरह भी लग जाएगा, यहाँ पे आपका दिख जाएगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पे नीचे देखिए आपके पास एक ऑप्शन नजर आता होगा पेमेंट सेटिंग का, देख सकते हैं यहाँ पर नजर आता होगा पेमेंट सेटिंग का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ नजर आता होगा पेमेंट अलर्ट, ठीक है। सिंपल से आपको पेमेंट अलर्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट दोस्तों यहाँ पे वॉइस नोटिफिकेशन आपका बंद रहेगा, इसे आपको एनेबल करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल अभी मैं बंद कर दिया हूँ, आपका बंद ही रहेगा, आपको एनेबल करना होगा। उसके लिए सिंपल से आपको एनेबल पर क्लिक कर देना है। जैसे उसे एनेबल पर क्लिक कीजिएगा तो ये एनेबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज में आपको यहाँ पे आपको वॉइस पाना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश में पाना चाहते हैं, हिंदी में पाना चाहते हैं या फिर अदर लैंग्वेज में पाना चाहते हैं, उसके लिए सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना है। ₹100 received on phone pay. फोन पे पर ₹100 मिले। फोन पे वर ₹100 मिडाले। अब दोस्तों यहाँ पे जिस भी वॉइस में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पे लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि इंग्लिश में अगर आप पाना चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट कीजिएगा या तो फिर हिंदी में पाना चाहते हैं तो हिंदी आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको डन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों डन पर क्लिक कीजिएगा तो फाइनली यहाँ पे वॉइस नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे बोलना चालू हो जाएगा। यहाँ पे तो आपका वॉइस नोटिफिकेशन सेलेक्ट हो चुका है, आपका यहाँ पे लग भी चुका है। अगर आप SMS वगैरह आता है उसको भी अगर आप वॉइस के जरिए सुनना चाहते हैं तो दोस्तों ये फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं होता, यहाँ
पे देख सकते हैं SMS वाला नीचे नजर आता होगा, इसके लिए सो यहाँ पे आपका ओनली देख सकते हैं यहाँ पे मंथली में आपको 25 रुपया यहाँ पे देना होगा। लेकिन सो मैं आपको प्रीफर करूंगा केवल यहाँ पे वॉइस नोटिफिकेशन एनेबल कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें किसी भी प्रकार से आपको चार्ज वगैरह नहीं देना होगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दी हूँ किस प्रकार से आप फोन पे बिजनेस में आप वॉइस नोटिफिकेशन एनेबल कीजिएगा। जब दोस्तों फोन पे बिजनेस में वॉइस नोटिफिकेशन एनेबल कर दीजिएगा, उसके बाद जो भी आपका पेमेंट करते हैं, जो भी व्यक्ति पेमेंट करेगा, जैसे 100 रुपये पेमेंट करेगा, 200 पेमेंट करेगा, जितना भी पेमेंट करेगा वो दोस्तों वॉइस के जरिए आपको बोल करके बता देगा। ठीक है, तो आशा करता हूं जो जानकारी दी है सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो भी आपको अच्छा लगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।